ठीक है, घड़े में रख करके शव को दफना देना पोर्ट बरियल होता है, ठीक है। और महाराष्ट्र के लोग अक्सर पोर्ट बरियल यूज करते थे, हड़प्पा सभ्यता में पोर्ट बरियल रहा है, ठीक है। इस तरीके का है। एक्सटेंडेड बरियल का मतलब होता है फुल बरियल, एक्सटेंडेड बरियल पूरी तरीके से शव को सही संस्कारों के साथ दफना देना, उसको एक्सटेंडेड बरियल या फुल बरियल कहा जाता है। पार्शियल बरियल में शायद जानवरों को सामने लाश को रख दिया जाता है, जानवर वगैरह खा जाते हैं, फिर उनको दफना दिया जाता है, पार्शियल बरियल कहा जाता था। इस तरीके के बरियल सिस्टम को यूज किया गया अलग अलग समय पर, ठीक है। लिख लेंगे इसको। परहैप्स इनइक्वालिटी वॉज स्टार्टेड इन द सोसाइटी, परहैप्स इनइक्वालिटी वॉज स्टार्टेड इन द सोसाइटी। इनइक्वालिटी वॉज स्टार्टेड इन द सोसाइटी। दिस वी कम टू नो, दिस वी कम टू नो फ्रॉम देयर हाउसेस, दिस वी कम टू नो फ्रॉम देयर हाउसेस एंड ग्रेवयार्ड्स, दिस वी कम टू नो फ्रॉम देयर हाउसेस एंड ग्रेवयार्ड्स। देयर चीप टेंस यूज टू रिजाइड, चीप टेंस, सरदार भी लिख सकते हैं, ये भी काम आता है। देयर चीप टेंस यूज टू रिजाइड इन रेक्टेंगुलर हाउसेस, देयर चीप टेंस यूज टू रिजाइड इन रेक्टेंगुलर हाउसेस। Which used to be big, which used to be big. While common people used to reside, while common people used to reside in rounded houses, rounded houses. Common people used to reside in rounded houses. Next, next point लिखेंगे। They were aware of burnt bricks. They were aware of burnt bricks. They were aware of burnt bricks. But they rarely used it. But they rarely used it. They rarely used it. People of Gilund used raw bricks. People of Gilund used raw bricks for making their houses. People of Gilund used raw bricks for making their houses. Making their houses while people of Ahar, while people of Ahar used stones, people of Ahar used stones for making their houses. People of Ahar used stones for making their houses. Making their houses. Next point लिखेंगे। हाँ, कहाँ से? They were aware of burnt bricks, but they rarely used it. They were aware of burnt bricks, but they rarely used it. उसके बाद लिख लिया है कि इसको भी people of Gilind, वो नहीं लिखा, हो गया ना? अच्छा, वो भी नहीं लिखा, लिख ले। People of Gilind used raw bricks. People of Gilund used raw bricks for making their houses. People of Gilund used raw bricks for making their houses. While people of Ahar used stones for making their houses.
पीपल ऑफ आहार यूज्ड स्टोन्स फॉर मेकिंग देयर हाउसेस, मेकिंग देयर हाउसेस। नेक्स्ट पॉइंट अब लिख लिया ना, हाँ तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लें। पीपल ऑफ दिस पीरियड स्टार्टेड इमेज वॉरशिप, पीपल ऑफ दिस पीरियड स्टार्टेड इमेज वॉरशिप, इमेज वॉरशिप। पीपल ऑफ दिस पीरियड यूज्ड इमेज वॉरशिप। नेक्स्ट स्टार्टेड इमेज वॉरशिप, हाँ नेक्स्ट है। देयर प्राइमरी कल्ट, CULT, देयर प्राइमरी कल्ट वॉज ऑफ मदर गॉडेस, देयर प्राइमरी कल्ट वॉज ऑफ मदर गॉडेस। ब्रैकेट में लिख लेंगे, एविडेंस ऑफ दिस हैज बीन फाउंड फ्रॉम, एविडेंस ऑफ दिस हैज बीन फाउंड फ्रॉम इनाम गांव, एविडेंस ऑफ दिस हैज बीन फाउंड फ्रॉम इनाम गांव। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, बुल इमेज ऑफ क्ले, बुल इमेज ऑफ क्ले, बुल इमेज ऑफ क्ले हैज बीन फाउंड, बुल इमेज ऑफ क्ले हैज बीन फाउंड। इट सीम्स दैट दे ऑल्सो वॉरशिप बुल, इट सीम्स दैट दे ऑल्सो वॉरशिप बुल, दे ऑल्सो वॉरशिप बुल। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, दे यूज वेरियस टाइप ऑफ बरियल सिस्टम, दे यूज वेरियस टाइप ऑफ बरियल सिस्टम लाइक फुल बरियल, दे यूज वेरियस टाइप ऑफ बरियल सिस्टम लाइक फुल बरियल, पार्शियल बरियल, फुल बरियल, पार्शियल बरियल, पोर्ट बरियल, POT, पोर्ट, पोर्ट बरियल एंड एक्सटेंडेड बरियल, एंड एक्सटेंडेड बरियल। एक्सटेंडेड बरियल। नाउ अब फाइनल टचेस को देना है, चेंजेस और डिक्लाइन इसका हमें करना है। चेंज कैसे हुआ ये थोड़ा सा एक मैप के थ्रू भी जाएंगे, इसमें भी एक मैप बना देंगे, चेंज आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है। और थोड़े से सब लिखेंगे, ज्यादा नहीं, इसमें 3-4 पॉइंट में ये आ जाएगा आपको। तो एक हेडिंग डाल लेंगे, चेंजेस एंड डिक्लाइन ऑफ चैल्कोलिथिक पीरियड, चेंजेस एंड डिक्लाइन ऑफ चैल्कोलिथिक पीरियड। चेंजेस एंड डिक्लाइन ऑफ चैल्कोलिथिक पीरियड। तो यहां पर हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ परिवर्तन जो है अपने तरीके से हुआ। जैसे इस वाले पार्ट में जो सभ्यता थी विशेष रूप से, ये वाले पार्ट में, इसमें जो है हड़प्पन कल्चर आ गया, ठीक है। यानी जस्ट आफ्टर चैल्कोलिथिक कल्चर, हड़प्पन कल्चर वॉज डेवलप्ड देयर। यहां पर ये आ गया, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और बिहार वाले रीजन में यहां पर चैल्कोलिथिक कल्चर के जस्ट बाद आयरन कल्चर आ गया। यहां पर आयरन आयरन कल्चर में बदल गया ये, ठीक है। जो दक्षिण भारत का एरिया है ये वाला पूरा,
यहां पर चैल्कोलिथिक कल्चर के बाद मेगालिथिक कल्चर आ गया। मेगालिथिक कल्चर ये भी आयरन एज कल्चर ही है, मेगालिथिक कल्चर। जो महाराष्ट्र वाली कल्चर थी जोरवे कल्चर, ये डिक्लाइन ही बहुत देर से होती है, और यहां पर भी धीरे धीरे मेगालिथिक कल्चर आ जाएगी। डिक्लाइंड टिल 700 BC, 700 ईसा पूर्व तक ये डिक्लाइन होती है जोरवे कल्चर। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से कल्चरल चेंजेस आए थे। ये जो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे ना, ये लेटर वैदिक काल में आएगा ये, ठीक है। दक्षिण भारत में मेगालिथिक कल्चर के रूप में जाएगा, ये आयरन कल्चर होगा बेसिकली। मेगालिथिक इसे इसलिए कहेंगे क्योंकि मेगा का मतलब होता है बड़े और लिथिक का मतलब पत्थर। तो बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल करते थे अपनी कब्र को बनाने में लोग। तो दे सराउंडेड देयर ग्रेवयार्ड बाई ह्यूज एंड बिग स्टोन्स, यानी बड़े बड़े पत्थरों से ऐसे खड़ा करके ढक देते थे, और उसके ऊपर जो है एक बड़ा पत्थर लगा देते थे कवर करने के लिए, और अंदर बहुत सारा सामान रखते, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो सामान है उनके मिट्टी के बर्तन और आयरन। आयरन बहुत मिला इसमें है, लोहे को बहुत रखा कब्रों में इन लोगों ने, बड़े बड़े पत्थर के कब्र बनाते थे लोग, उन्हीं की वजह से इनको मेगालिथिक कहा गया है, ठीक है। और बाकी वहां पर जो है मेगालिथिक ही आएगा, लेकिन डिक्लाइन 700 तक होगा, देर से होगा थोड़ा सा डिक्लाइन, 700 BCE तक डिक्लाइन होगा वो। तो अब इसी चेंज को शब्दों में दो चार लाइन में लिख लेंगे आप लोग, बना लिया ना आप लोगों ने? हाँ, देन राइट डाउन देयर। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। अब चैल्कोलिथिक कल्चर, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ चैल्कोलिथिक कल्चर टर्न्ड इनटू नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ चैल्कोलिथिक कल्चर टर्न्ड इनटू ब्रोंज एज कल्चर। ब्रोंज एज कल्चर ही हड़प्पन सिविलाइजेशन है, ठीक है। ब्रोंज एज कल्चर, नेक्स्ट ईस्टर्न चैल्कोलिथिक कल्चर्स। ईस्टर्न में उत्तर प्रदेश बिहार दोनों आ जाएंगे, ब्रैकेट में लिखना हो लिख लें। ईस्टर्न चैल्कोलिथिक कल्चर टर्न्ड इनटू ईस्टर्न चैल्कोलिथिक कल्चर टर्न्ड इनटू आयरन एज कल्चर। आयरन एज कल्चर, नेक्स्ट साउदर्न चैल्कोलिथिक कल्चर टर्न्ड इनटू
चैल्कोलिथिक कल्चर टर्न इनटू मेगालिथिक कल्चर, सौदर्न चैल्कोलिथिक कल्चर टर्न्ड इनटू मेगालिथिक कल्चर, ब्रैकेट में आयरन एज कल्चर लिख लेंगे, एंड द लास्ट पॉइंट लिखेंगे वेस्टर्न चैल्कोलिथिक कल्चर, वेस्टर्न चैल्कोलिथिक कल्चर ब्रैकेट में जोरवे कल्चर एंड मालवा कल्चर, वेस्टर्न चैल्कोलिथिक कल्चर ग्रेजुअली डिक्लाइंड टिल 1000 बीसी टू 700 बीसीई, ग्रेजुअली डिक्लाइंड टिल 1000 बीसी टू 700 बीसी, 700 बीसी जोरवे कल्चर डिक्लाइन टिल जोरवे कल्चर डिक्लाइन टिल 700 जोरवे कल्चर डिक्लाइन टिल 700 बीसीई। तो यही टॉपिक था आपका, ये दूसरा चैप्टर है जो खत्म हो गया आपका, ठीक है। अच्छा एक चीज मुझे सिर्फ बता दे, स्टोन एज जब शुरू कराया था मैंने तो उस समय रॉबर्ट ब्रूस फुट का नाम लिखवाया था या नहीं लिखवाया था? मुझे याद नहीं है कि मैंने लिखवाया था, नहीं लिखवाया था ना। हाँ ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, इसलिए सबसे ऊपर जहां स्टोन एज शुरू किया था वहीं लिखें, रॉबर्ट ब्रूस फुट का नाम लिखना है। नाम बताया था लेकिन शायद भूल गया था लिखवाना, स्टोन एज जब शुरू किया था ना पहला चैप्टर वहीं पर। स्टोन एज पहला चैप्टर इधर उधर, पैलोलिथिक काल में पहला चैप्टर जब शुरू किया था ना स्टोन एज, जहां स्टोन एज लिखा हुआ है वहीं पर लिखना है। लिखें, आपको नहीं मिला पीछे चलेगा फिर, अरे फिर कहाँ आ गया, वेदांग वगैरह कहाँ से आ गया, स्टोन एज ये है, इसी के ऊपर जगह भी है आपके पास खाली लिखने। इन 1863 लिख लेंगे, इन 1863 रॉबर्ट ब्रूस फुट रॉबर्ट ब्रूस फुट डिस्कवर्ड स्टोन टूल्स, रॉबर्ट ब्रूस फुट डिस्कवर्ड स्टोन टूल्स फ्रॉम पल्लवरम, तमिलनाडु में है पल्लवरम, एंड दस डिस्कवरी ऑफ स्टोन एज वॉज स्टार्टेड इन इंडिया, दस डिस्कवरी ऑफ स्टोन एज वॉज स्टार्टेड इन इंडिया।